हाय गाइस, वेलकम टू लेटेस्ट अपडेट विद रिगार्ड्स टू MSCET 2024। ऑल द एग्जामिनेशन डेट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। MBA CET, MCA CET, आपका BEd CET, Law CET 3 ईयर्स की डेट एक्सटेंड हो गई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। मतलब 5-6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन से आप बोल लो। तो जितने लोगों ने सबसे पहले फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है, जो भी सीटी आप लिखने वाले हो, पहले जाके फॉर्म फिलिंग करो। अदरवाइज आपका सेंटर भी दूर आएगा, और डेट अगर बंद हो गई भाई तो वापस सेकेंड एक्सटेंशन का वेट करेंगे, वो समय नहीं पड़ना। ठीक है, द मोमेंट दे हैव रिलीज दिस सर्कुलर कि भाई रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड कर दी है। दूसरा क्वेश्चन हमारे बच्चों के साइड से आना चालू हो गया है, सर एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड होगी क्या? यार अभी उसका कुछ बोल नहीं सकते, सीटी सेल है। ऑल दो दिस ईयर ऑल द प्रोसेस डूइंग ऑन ट्रैक, मतलब सब चीज़ ऑन टाइम चल रही है। आपका नोटिफिकेशन उन्होंने 9 अक्टूबर पर रिलीज़ किया था, उसके बाद दिसंबर में आपका फॉर्म फिलिंग चालू कर दिया, तो सब चीज़ें स्मूथली चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम की डेट वो एक्सटेंड करेंगे, या तो करनी चाहिए उनको। ओके, जो अभी डेट है सामने वो पकड़ के चलते हैं। क्या अपडेट दिया हुआ है, लेट्स ओपन इट। तो ये इनका है इंपॉर्टेंट नोटिस, डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर वेरियस कोर्सेज ऑफ CET। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ व्हाट द स्टार्ट डेट, और ये एंड डेट, और ये एक्सटेंडेड डेट। 22 डेट है एग्ज़ाम की, तो ये अपन पकड़ के चलते हैं, एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है आपकी। ओके, सो फर्स्ट इज नथिंग बट BEd CET का 30th, मतलब आज लास्ट डेट थी, अब ये 6 तारीख है। तो आप फॉर्म फिलिंग कर लो भाई। आपका लॉ 3 ईयर्स, 31st, मतलब कल लास्ट डेट थी, कल लास्ट डेट होने वाली है इसकी, बट ये एक्सटेंड होकर 10 तारीख, मतलब 10 दिन, 10 फाइव का है, 10 दिन का टाइम मिल गया अपने को। वैसे ही हमारे पास MBA CET है, तो MBA CET भाई कल का लास्ट डेट इसका होने वाला था, अब वो 6 तारीख होगा, 6/5 का, 6/5। ओके, MCA CET आपका 6 तारीख का एक्सटेंशन मिल गया है, 1 तारीख लास्ट थी, वॉज 1st of Feb, नाउ इट विल बी 6th of Feb। ओके, बाकी दूसरे CET के डेट से यू कैन चेक इट आउट। तो ये डेट एक्सटेंड हो गई है, तो पहले तो फॉर्म फिल करके ख़त्म करो यार, डिले नहीं करना। ओके, सो आई एम श्योर एवरीवन मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर द CET 24। मॉक लिखते जाओ, एनालिसिस करो, आपके जो स्ट्रेंथ स्ट्रांग वाला एरिया है उसको और बेटर बनाओ, जो आपका वीक एरिया है उसको मैनेज करो, इतना काम करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, दिस ईयर ऑल्सो आई विल बी राइटिंग ऑल द CET एग्जामिनेशन, तो आपको एनालिसिस मिलते रहेगी ऑन टाइम पे। पहला CET लिख के मैं बता दूंगा कि कैसा आपका पेपर होगा 2024 का, तो वो अपडेट आपको मेन्यूअल के चैनल पे मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रखो। बाकी क्रैश कोर्स बैचेस ऑलरेडी वी हैव लॉन्च, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। ओके, एंड दिस आर द कम्प्लीट करिकुलम फॉर योर प्रिपरेशन। बाकी अगर आपको मॉक चाहिए, बुक्स, सेक्शनल प्रोग्राम एंड फुल कोर्स प्रोग्राम, तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो वंस अगेन गाइस, शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, सो दैट दे शुड नो दिस इन्फॉर्मेशन कि डेट एक्सटेंड हो गई है, एंड दे कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, या तो कुछ अगर आपने मिस्टेक कर दी है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, आपको लग रहा है इसको करेक्ट करना है, तो या तो जब भी विंडो करेक्शन वाला ऑप्शन ओपन होगा तब कर लेना, अदरवाइज नया एप्लीकेशन आप अलग से फिल करके खत्म करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।